टीवी इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन बुआ उर्फ उपासना सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस के खिलाफ कोरोना वायरस के नियमों की धज्जियां उड़ाने पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस समय पंजाब में पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है और एक्ट्रेस को रूपनगर के मोरिंडा में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग करते पाया गया है। इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी उन्होंने तुरंत शूटिंग लोकेशन पर जाकर छापा मारा। रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस ने उपासना सिंह को कोरोना रूल्स तोड़ने पर कई सवाल भी किए लेकिन एक्ट्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। इतना ही नहीं उपासना के पास शूटिंग की परमिशन का कोई लेटर भी नहीं था। बताया जाता है कि पुलिस ने शूटिंग लोकेशन की वीडियो बनाकर एक्ट्रेस के खिलाफ कोरोना रूल्स तोड़ने का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक्ट्रेस के खिलाफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत धाराओं को लेकर मामला दर्ज किया है। उपासना सिंह से पहले हाल ही में पंजाबी एक्टर जिमी शेरगिल और गिप्पी ग्रेवाल भी कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखने के बाद पंजाब की सरकार ने वहां पूर्ण लॉकडाउन लगाया हुआ है। इस समय देश भर में हर दिन 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और हजारों तादाद में इस वायरस के कारण मौतें हो रही हैं। इसके बाद भी कई एक्टर्स लगातार नियमों का पालन न करते हुए शूटिंग करने में लगे हुए हैं। उपासना सिंह आखिरी बार पंजाबी फिल्म नौकर बहुतीदा में नजर आई थी। इस फिल्म में उपासना की एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। क्या कहना आपको उपासना सिंह के इस नियमों को तोड़ने के बारे में, कमेंट्स करके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग स्क्रीन।